Hi, I am Maimaxon and I teach English at Plus 2 Jilla School, Giriri. आज बातें होंगी मम्मीज को लेकर. मम्मीज क्या होती है? माँ वाले मम्मी नहीं, आप जान देना है. बात होगी मम्मीज, इजिप्ट की मम्मीज को लेकर. कौन सी मम्मीज? ये वाली मम्मी. तो इसके चैप्टर का नाम है Discovering Truth. The saga continues. तो आज जो है हम लोग जानेंगे एक पर्टिकुलर राजा के बारे में, एक इजिप्ट के राजा के बारे में, जो आज से लगभग 3300 years पहले इस दुनिया में थे. और उनके बारे में जो है, उनका जो ममी है उसको डिस्कवर किया गया 1922 में. तो तब से जो है सबसे फेमस ममी अगर कोई है तो ये है इनका ममी किंग टुत, जिनका पूरा नाम तुतनखामन. तो जो है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे. उससे पहले हम लोग जानेंगे ममी क्या होता है, फैरोस कौन लोग होते हैं. ठीक है, फैरो कौन होता है? इसकी मैंने कहा एंशिएंट इजिप्ट के जो राजा होते थे ये बहुत अमीर थे, बहुत रिच सिविलाइजेशन था. तो वहां के राजा को कहा जाता था फैरो, फराओ में फैरो. ठीक है, और वो राजा सब जो थे या वहां के लोग भी जो थे विश्वास ये करते थे कि मौत के बाद एक जिंदगी है. मानो मौत एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं. फिर जो है एक नया जन्म शुरू होगा, और एक नया जन्म के लिए, जीने के लिए चाहिए होता है शरीर. और शरीर कहां से मिले, क्यों ना इसी शरीर को धारण किया जाए. तो इस बात से आई ममीफिकेशन. ममीज बहुत लोग करते थे, लेकिन लेवल जो है बढ़ता जाता था. स्पेशली जो फैरोस के जो राजा थे, सम्राट थे, उनका जो ममीफिकेशन होता था इस कदर अच्छे तरीके से उनके ममीफिकेशन किया जाता. ममी करने की प्रक्रिया को कहते हैं ममीफिकेशन. क्या कहेंगे? ममीफिकेशन. ठीक है, तो आज पहले शुरू करेंगे हम लोग ममीफिकेशन से, कैसे एक ममी तैयार होता था. तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे इस कहानी, मजा भी आएगा. प्रक्रिया मजेदार नहीं है लेकिन जानने लायक. होता ही था कि जब इजिप्ट के कोई सम्राट का जब डेथ होता था तब एक रिलीजियस प्रक्रिया होती थी. सबसे पहले तो जो चल बसे वो सम्राट को लेटाया जाता, उनको नहलाया जाता विद फ्रेग्रेंट ऑयल्स एंड ऑल. उसके बाद जो है उनके शरीर को चीरा जाता, बीच में इंसिशन किया जाता, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हुआ करते हैं, लंग्स हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन्स हो, लिवर हो, सब निकाल के कंटेनर्स में रखा जाता था. एक कंटेनर में लिवर, एक कंटेनर में इंटेस्टाइन, एक कंटेनर में लंग्स, इस तरह से. और इसको भी डेड बॉडी के साथ रखा जाता, लेकिन डेड बॉडी बॉडी से बाहर निकालते. रखा जाता एक इंटरनल ऑर्गन, वो था दिल. दिल को रखा जाता क्योंकि ये बहुत जरूरी था हम लोगों में. बॉडी जब अगला जन्म लेगा तब ये दिल ही जो है उसको गाइड करेगा. इवन जो 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 ब्रेन होता है नाक के थ्रू या डॉट टाइप का घुसा के इसको जो है नाक से इसको निकाला जाता. इवन ब्रेन भी नहीं रखा जाता, ऐसा कुछ जो सरे उसको बाहर निकाल दिया जाता. उसके बाद जो है उसमें कुछ लेप वगैरह डाल के जो है उसको सी दिया जाता. और उसके बाद सॉल्ट में, स्पेशल टाइप का सॉल्ट, उसमें बॉडी को पूरा कवर कर दिया जाता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 40-70 डेज, ताकि बॉडी में जितनी नमी है वो नमी निकल जाए. अभी हम लोग अचार देते हैं तो अचार में अचार डालने से पहले अचार मैंगो को जो है हल्दी और नमक में एक लेप देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं एक दिन के लिए ताकि उससे नमी निकल जाए. बस कुछ वैसा ही लेकिन आदमी के साथ. तो जो है शरीर से नमी निकल के इतने दिन में, उसके बाद नमक को हटाया जाता और फिर जो है उसको सुगंधित तेलों से नहलाया जाता, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया जाता, और रेजिन लगाया जाता. लेप वगैरह लगाने के बाद रेजिन लगाया जाता ताकि जब कपड़ा उसके ऊपर लपेटा जाता, तो देखते हो वो कपड़ा लपेटा जाता है तो ये कपड़ा उससे सट जाए. और बहुत अच्छे तरीके से एक परत, उसके बाद फिर रेजिन, एक और परत, एक लकड़ी का बोर्ड पीछे रखा जाता और
अच्छे तरीके से उसको लपेटा जाए। ऐसा दो तीन परत जो है उसके बाद जो है उस धार्मिक प्रक्रिया के तहत फूल वगैरह उस पर रखा जाता और फिर उनपे डाला जाता फेस मास्क। अब ये फेस मास्क क्या होता है, ये कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है, ये होता है ये डेथ मास्क भी बोलिए उसको, डेथ मास्क बहुत अच्छा रहेगा। तुतनखामन का डेथ मास्क जो है, फेस मास्क जो है वो बहुत फेमस हुआ। क्यों हुआ, आइए उससे पहले उनका डेथ मास्क दिखता कैसा था वो पता करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा। तो जो है इसलिए मैंने कहा था कि दूध बहुत फेमस हुए, क्या कारण जो है ये सब हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग एक बार उनके डेथ मास्क को जानते हैं जो कि बहुत 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 फेमस है और इजिप्ट के म्यूजियम में उसको रखा गया है। डेथ मास्क क्यों होता था, ताकि इंसान जिस समय वो उनका देहांत हुआ उस समय वो कैसे दिखते थे उसका आइडिया हम लोग को जो है डेथ मास्क से मिलता है। ठीक है, तो ये था उनका डेथ मास्क। मेड ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। ठीक है, इनफैक्ट उनका जो कॉफिन का जो परत था जिसपे जिनको उनको रखा गया था, इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एज वेल। तो सोचिए कितने लोग अमीर होते होंगे। अच्छा, तो जो है ये इस तरीके से जो है उनका डेथ मास्क था, और ऐसा ही फ्रंट पीछे की तरफ भी जो है और सामने की तरफ जब बॉडी को रखा गया उस कॉफिन के अंदर में, उस गोल्ड कॉफिन के अंदर में, तो उनको डेथ मास्क पहना दिया गया ताकि वो और विविड लगे। ठीक है, तो ये है उनका डेथ मास्क। ये क्या बोलिए, ये दाढ़ी है। ठीक है, इस तरह का दाढ़ी, ये लेकिन डिटैचेबल है, काफी बार जब उसको रखा गया म्यूजियम में निकल के आ जाता था, अब लेटेस्ट जो है बीज वैक्स से उसको लगाया गया, चिपका गया। ठीक है, सो दिस इज द डेथ मास्क ऑफ किंग तुत, जिनका देखिए मौत के कितने साल के बाद उनका जो गाथा है आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पढ़ने लायक चीज है। ठीक है, तो ये है किंग तुत का डेथ मास्क, मेड ऑफ गोल्ड लैपिस लाजुली प्रेशियस स्टोन से एकदम जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको एंग्रेव किया गया। और देखिए एक कहानी ऑलरेडी हो गया, लेकिन हम लोग कहानी के अंदर में अभी तक घुसे भी नहीं। तो ये है ममीफिकेशन, और यहाँ खत्म नहीं हुए हैं। तो ममी बनाने के बाद जो है ये लोग को रखा जाता था वैली ऑफ किंग्स में। देखिए होता ये था कि बहुत अमीर ये लोग अमीर के राजा थे, सम्राट थे, बहुत बहुत अमीर थे। तो होता क्या था, रॉबर्स लोग टूम में TOMB जहाँ पे दफना जाता, वो लोग वो वहां पे कब्र को जो है कोड़ खा के ये जो धन संपदा निकाल लेते थे, इसलिए खुफिया जगह पे जो है वैली ऑफ किंग्स में इन लोग को दफनाया जाता, मिट्टी के बहुत नीचे 26 फीट 30 फीट नीचे जो है दफनाया जाता। और आप लोग जानते ही होंगे पिरामिड्स के बारे में, तो यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता। और तो और कभी, और इसके साथ जो है जो ममीज होते हैं उनके साथ रोजमर्रे की जिंदगी की चीजें जो है, रेजर्स हुए, बोर्ड गेम्स हुआ, पानी के बॉटल्स, हनी, ये सब, इवन कभी कभी नौकर चाकर उनको ममी बना के, पेट्स को ममी बना के रखा जाता। मकसद क्या था, अगला जन्म लेंगे ये, और हम लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। ये लोग देखिए इतना गुरूर था, इतना घमंड था कि नहीं फिर जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो खाली हाथ नहीं वापस आना है, तो जो है भर भर के ले जाते थे। क्या मान्यता थी नहीं जानते हैं, लेकिन ओसिरिस थे, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, उनको बहुत मानते थे। और जहां पर टूम होता है लोगों, जहां पर लोगों को दफनाया जाता था बहुत खुफिया तरीके से, वहां पे जो है गेट पे ओसिरिस का ओरियन कंस्ट्रक्शन का फोटो या डायग्राम टाइप का होता है, उसमें ओरियन जो है बसते हैं ऐसा कहा जाता है। तो ओरियन जो है एक तरफ का पहरादार था जो गार्ड करते थे। ठीक है, तो ये है कहानी की पहले की कहानी। अब आएंगे Discovering Tut, the saga continues, written by A.R. Williams. King Tut, ये व्यक्ति जब इनका मौत हुआ, he was a teenager. Teenager मतलब 13 से लेके 19 तक एक कोई व्यक्ति, कोई भी बॉय या गर्ल, वो टीनेजर कहलाता है। आप लोग टीनेजर हैं, ठीक है? तो जो है He was a teenager when he died. He was a pharaoh. He was a ruler, but he was a teenager.
जब उनका देहांत हुआ। 1922 में जो है इनके टुंग को क्या बोलता है, टुंग, इसको प्रोनाउंस करेंगे टुंग, ठीक है। एम बी जब होता है साथ में स्पेशली तब बहुत बार क्या होता है, बी को साइलेंट करके इसको टुंग बोला जाता है, ठीक है। तो रिटन एज टी ओ एम बी बट प्रोनाउंस एज टुंग, ठीक है। तो जो है इनके टुंग को बहुत सारा तब लोग ढूंढते रहे मिलाकर 1922, ठीक है। अच्छा, और जो है साइंस जिस तरीके से डेवलप कर रही है हम लोग जो है अब जानना चाहते हैं व्हाई ऑफ थिंग्स, व्हाट वेयर नहीं, व्हाई ऑफ थिंग्स, क्यों, हाउ, कैसे। तो इसी क्यूरियोसिटी ने क्या किया, तुतनखामन के मम्मी को लोग, साइंटिस्ट लोग उनके टूम से जहां पर उनको दफनाया गया था वहां से बाहर निकाल के इनका सीटी स्कैन किया गया। क्या कराया गया, सीटी स्कैन। ये क्या होता है, आई गेस थोड़ा सा धैर्य। तो इनका सीटी स्कैन कराया गया, नहीं बोल देते क्योंकि बोलेगा इतना जो ये कहानी कहीं ना कहीं ना घूम रहा है उस पर्टिकुलर डे के बारे में जिस दिन सीटी स्कैन कराया गया था तुतनखामन के मम्मी, ठीक है। होता क्या है, सिटी स्कैन एक मशीन होता है, ठीक है। हम एक रफ आपको आइडिया देने के लिए बस बोल रहे हैं, ठीक है, एक मशीन समझ, ठीक है। उसमें एक स्ट्रेचर टाइप का होता है जो अंदर घुसता है, ये इस तरह का रिंग टाइप का, ठीक है। इसमें एक्सरेज जो है, एक्सरेज नहीं बोलिए, रेडिएशन जो है वो ऐसे ऐसे क्रॉस करता है। एक्सरे क्या होता है, ऐसे लेता है, सिटी स्कैन क्रॉस सेक्शनल होता है, यानी ऐसे 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 ऐसे, और जब कुछ जोड़ देते हैं उसको तो 3D इमेज बन जाएगा। तो क्या बोले, एक्सरे ऐसे लिया जाता है, हाथ को रखे ऐसे, लेकिन ये जो है सिटी स्कैन जो है इस तरह से लेता है। सिटी स्कैन सपोज ये मशीन है तो यहां सिटी स्कैन इस तरह से जो है वो सर स्कैन हुआ, क्रॉस सेक्शनल इमेज बना, और वो इमेज को जो जब जोड़ा गया तब वो बन गया एक 3D इमेज। समझ में आ रहा है, सपोज ये है सिटी स्कैन का मशीन गोल, इसके अंदर में एक स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर में आदमी लेटा हुआ है, तो वो घुसा ऐसे और जिस पार्ट भी अंदर घुसा वो जो है उसका रेडिएशन से उसका जो है स्कैन किया गया। वो सर का हो सकता है, पैर का हो सकता है, जहां का भी बच्चा है। और क्या बोले, इसे पावरोटी देखते हैं ना, पावरोटी ब्रेड, ब्रेड कैसा होता है, ब्रेड ऐसा होता है, ठीक है, कुछ वैसा ही जो है। सपोज ये बॉडी है, बॉडी का इस तरह का इमेज जो है लिया जाता है, और किंतुत का जब स्कैन किया गया था तो एक इंडिविजुअल स्लाइस का थिकनेस था मात्र 0.62 मिलीमीटर, एक मिलीमीटर भी नहीं, 0.62 मिलीमीटर। क्यों, ताकि जो है जब स्कैन किया जाए और उसका 3D इमेज बनाया जाए। देखिए अपने एक में ये एक कुछ मायने रखता है, ये कुछ मायने रखता है, ये कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन जब जोड़ देंगे तब एक 3D इमेज बनेगा जो बहुत मायने रखता है। तो सिटी स्कैन किया गया था ताकि उनके इंट्रिकेट डिटेल्स के बारे में जाना जा सके। तो पर्पस क्या था, उनको सिटी स्कैन के लिए ऊपर ले जाने का मशीन बहुत बड़ा होता है, ऊपर ले जाया गया ताकि जो है उनका स्कैन किया जा सके और उनके बॉडी में दिखने में कैसे थे, स्केलेटन किस तरह का था, एक पार्ट्स था, वो जो है जाना जाए। और कुछ और क्वेश्चंस थे जो बाद में अभी बोल देंगे तो कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, सपोज तुतनखामन का बॉडी जो है वो यहाँ पे लेटा हुआ है और जो है बॉडी वो मम्मी का क्लोथ उसमें रखते हैं, तो शॉर्ट में उसको घुसाया जाता और जो है उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है, क्रॉस सेक्शनल इमेज को लाया गया, फिर इसको जोड़ दिया गया और क्या मिला, उनका एक बॉडी का 3D इमेज जो कि हरदंगेज था। तो ये होता है सिटी स्कैन। अब चैप्टर में आते हैं, ठीक है। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूत वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट सिमेट्री called the Valley of Kings। देखिए हम लोग बहुत साधारण इंसान हैं, ठीक है, हम लोग कोई हीरो नहीं है कि जब एंट्री मारेंगे तो जमीन हिलेगी और बिजली कड़केंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुतनखामन अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और ये संयोग कहिए, कष्ट ये एक संयोग ही बोलते हैं उसको, कि जिस दिन उनका स्कैन होने वाला था सुबह से जो है आसमान में घने काले बादल, मोटे मोटे बादल जो है घिरे हुए थे, और
सुंदर तरीके से कहा गया, देखिए, डार्क बेलिड क्लाउड्स, बेली मतलब पेट, डार्क बेलिड क्लाउड्स मतलब मोटे मोटे क्लाउड, तो जो है डार्क बेलिड क्लाउड जो है आसमान को घेरे हुए थे और तारे जो थे तारों को मानो एक कैस्केट में छुपाए हुए थे। कैस्केट पता है क्या? आप लड़की लोग वो इयर रिंग्स वगैरह जो है ज्वेलरी जो है उसको डब्बे में रखते हैं, ज्वेलरी केस टाइप का, समझ लीजिए वो एक तरह का बॉक्स है कैस्केट, तो वैसे ही तारों को जो है ये बादल मानो अपने बॉक्स में रखा था। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन, तो घने काले बादल तारों को अपने आप में छुपाए हुए, ठीक है। तो ये अब याद रखिए 6 PM 5 जनवरी 2005। आप सोचिए क्या इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी एक बर्डन थोड़ी है, ये तो एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है कि जाने, और हम लोग हिस्ट्री के बिना है ही क्या, पास्ट के बिना कोई प्रेजेंट हो रही है। तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट, तारीख क्या था 5 जनवरी, ये सिटी स्कैन कब हुआ था 5 जनवरी, 5 जनवरी ईयर कौन सा था 2005, ये था पेट, और कब ले जा गया था 6 PM शाम को 6 बजे। सबसे फेमस ममी दुनिया का, तुतनखामन का ममी, ठीक है, उनको जो है आप बोलिए इतना मोटा सर, ठीक है, कम लगता है, ठीक है, इसको जो है इनको जो है मशीन में हेड फर्स्ट, पहले सर जो है वो पहले घुसा मशीन के अंदर और फिर पूरा बॉडी घुसा और पूरा बॉडी का स्कैन हुआ, यहाँ से जो है यहाँ से स्कैन किया गया, इस तरह का जो है रेज निकल गया और इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये कब की बात है, आज से 3300 years पहले की बात है, बाप रे बाप, इतना साल पहले की बात है। तो आफ्टरनून का समय था, जो टूम था जैसे कि मैंने कहा था 26 फीट नीचे, जमीन के 26 फीट नीचे जो है इनका टूम था, जहां पे इनको दफनाया गया था बड़े सीक्रेट तरीके से, ठीक है, लेकिन इसको पता ना चला। वहां पे जो है टूरिस्टों का लाइन लगा हुआ था, जो टूरिस्ट होता है टूरिस्ट का लाइन लगा हुआ था, दुनिया का सबसे फेमस मम्मी मैंने कहा था, तो देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, इसलिए लोग पिरामिड देखने के लिए जाते हैं। तो उस रॉक कट टूम में 26 फीट नीचे वो लोग कोई मिरर्स की तरफ गेज कर रहे थे, जैसे कि मैंने फोटोज वगैरह पिक्चर्स वगैरह स्केच वगैरह बनाया, वैसे दीवार वगैरह में ना डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल कलर्स से वो लोग जो है डायग्राम्स मतलब कुछ कुछ बनाते थे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब हुआ करता था, इससे लाभ होना अच्छा। तो जो है ये लोग मुरल्स को जो है निहार रहे थे कि वाह क्या है, समझने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे मॉडर्न आर्ट अगर आप देखेंगे आधा समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या वो ट्रैश है, बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आर्टिस्ट कुछ सोच के बनाए होंगे, अगर आप कनेक्ट कर पाए, वेवलेंथ मिल पाया तो आपने उसको खजाना दिखेगा, ठीक है। तो ये सब जो है खजाने थे और पता नहीं कौन कलर से किस डाई से बनाए थे, आज भी वैसे, ठीक है। तो जो है टूरिस्ट लोग गेज कर रहे थे उस म्यूरल्स की तरफ, कोई मम्मी को देख रहे थे, मम्मी ऐसे नहीं खुला पड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा एकदम पर्टिकुलर मास्क वगैरह था और एक ढका हुआ था और कांच के बॉक्स के अंदर में वो मम्मी, ठीक है। कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में जो है कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में भी आपको एक मम्मी मिलेगा, कांच के बॉक्स में रूम में वो है, आपको दिख जाएगा, अगर कभी गए तो विजिट कीजिएगा, मम्मी बहुत 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 प्राचीन, ठीक है। तो ये जो मम्मी है तुतनखामन का मम्मी, लोग उनके टूम में यहाँ वहाँ भटक भटक से घूम रहे थे, देख रहे थे, कोई जैसे कि मैंने कहा कोई वीडियोस देख रहे थे, कोई आपस में दे आर विस्परिंग समथिंग समथिंग, और जो है कुछ जो है चुप से उनको देख रहे थे और सोच रहे थे क्या वजह हुआ कि ये मम्मी ये इंसान ये सम्राट जो है इतने कम उम्र में चल बसे। क्वेश्चन सवाल दिल में दिमाग में, तो जो है और कोई कोई सोच रहे थे फैरो के कर्स के बारे में, मैंने क्या कहा फैरोस कर्स, आप लोगों को थोड़ा डरा दे, तुतनखामन के मम्मी को जब आविष्कार किया गया टूम को 1922, आविष्कार कौन किए अभी हम लोग को पता चलेगा, उनका नाम था हावर्ड कार्टर,
ये नाम याद रखिएगा, बिल्कुल 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 याद रखिएगा। क्या नाम था? हावर्ड कार्टर, ब्रिटिश है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व विभाग के होते हैं, पुरातत्व विभाग के होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्सकैवेट करते हैं, खोजते रहते हैं कहां कुछ मिल जाए पुराना, डायनासोर का रिमेन्स, एग्स, ममीज, पिरामिड्स, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे प्रकट हो जाते हैं? नहीं, उनको ढूंढना पड़ता है। तो इनके ममी को भी, तुतनखामन के ममी को भी बहुत सालों से ढूंढा जा रहा था। आखिरकार हावर्ड कार्टर साहब जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको ये मिला। ठीक है, अच्छा बात थोड़ा था ममीज कर्ज का। तो हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इनका फंडिंग कौन किया था, इनका और इनकी टीम का, अकेले नहीं थे। जॉर्ज हर्बर्ट नाम का एक आदमी जो है, जॉर्ज हर्बर्ट नाम का एक आदमी, बहुत फेमस, बहुत रिच एक आदमी जो है, फाइनेंस किए थे इस चीज को। ये और इनके सात और आठ नौ व्यक्ति जो है फेरोस कर्ज के शिकार हो गए। फेरोस कर्ज क्या होता है, ये माना जाता है कि ये बॉडीज, जो प्राचीन बॉडीज जो है, इनको जब दफनाया गया तो मंत्र वगैरह पढ़ के दफनाया गया था, ताकि कोई भी अगर डिस्टर्ब करे इन लोग को तो इन पर श्राप आरोपित होगा। कर्ज, श्राप, कोई भी डिस्टर्ब करे तो उस पर श्राप। ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन और नौ व्यक्ति जो है, जो जुड़े हुए थे इस कर्मकांड से, उनका बड़ा अजीब ढंग से डेथ हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो उनको मच्छर काटा था फेस पे, शेव कर रहे थे, सब ठीक हो गया, दो दिन के अंदर में डेथ। एक और व्यक्ति थे, घर में आग लग गया, चाहे आराम से बाहर निकल सकते थे, नहीं निकले, एक सुसाइड कर ली, बोली कि मैं खुद से जाना पसंद करूंगा, कोई काला जादू के तहत। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आदमी जो है फेरोस कर्ज के अंदर, भले या बुरे इत्तेफाक है जो भी है, लेकिन इस तरह से नौ व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए थे उनका डेथ हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, फैरो का अभिशाप। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि ये फेरोस कर्ज जो है क्या वो सच में होता है। ठीक है, ममी जो है, ये ममी का हाल बहुत बुरा था। क्यों? ये जनाब की वजह से। आप बोले खराब कर दिया था मम्मी को, नहीं, लेकिन जो है उस मम्मी का लाइफ में, मतलब मम्मी का जो शेल्फ लाइफ है, अगर मम्मी और एक दो हजार साल उसी तरह रह सकता था तो अब शायद वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन द क्रेडिट गोज टू हिम फॉर डिस्कवरी, फॉर डिस्कवरी तुतनखामन्स मम्मी। अच्छा, डिस्कवरी में और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी एक तरीके से कोई चीज है उसको खोज करना, और इन्वेंट माने खुद से तरीके से बनाना उसको। सपोज कोविड 19 का वैक्सीन बनाना, तो एक तरह का इन्वेंशन होगा। ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब या इवन वो फिलामेंट बल्ब, उनका बनाना वो एक इन्वेंशन है, डिस्कवरी। लेकिन यूएस अमेरिका का डिस्कवरी यानी कोई खोज है। ठीक है, ये तो पहले से ही थे, इनका खोज किया है। ठीक है, तो ज़ाहिर हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, डेजिग्नेशन देखिए, पहले नाम जानिए, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ज़ाहिर हवास। ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखिए, ज़ाहिर हवास। अब ये ज़ाहिर हवास कौन है? ज़ाहिर हवास थे सेक्रेटरी जनरल, ये डेजिग्नेशन जो है याद रखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। बाप रे बाप, आप बोलेंगे इतना नहीं याद रखा जाए, याद रखना होगा, नंबर चाहिए। सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एक बात और, गलत नहीं लिखेगा, नहीं आता है उसको ओमिट कीजिएगा, लेकिन गलत नहीं कीजिए। ठीक है, आप बस अगर आपसे पूछा जाए हु वाज ज़ाहिर हवास, आपको ये याद नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बना के लिखिए कि तुतनखामन की मम्मी में, डिस्कवरी में, या सिटी स्कैन का क्या अवदान था, ये लिखिए, लेकिन गलत नहीं लिख दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए याद रखने का, दैट इज द बेस्ट। तो खैर, ये जो है ऑब्वियस सवाल थे, ये थे बॉस,
ये सिटी स्कैन वगैरह ये जो है सब इन्हीं के सुपरविजन में हुआ। अब क्या सिर्फ यहीं का काम था? नहीं, ये पिरामिड्स, ममीज, कुछ कहीं भी मिल रहा है इजिप्ट में, एंटीक्विटीज, पुराना पुराना चीज मिल रहा है, सबका हेड ये आदमी, ठीक है, ज़ाहिर हवास नाम था। तो ये कहते हैं 1922 में तुतनखामन का जब ममी को डिस्कवर किया गया, बहुत साल तक फ्यूटाइल ढूंढने के बाद, तब जो है हाउर्ड कार्टर ने कुछ ऐसा किया जिससे ममी को कुछ नुकसान हुआ। अब मैंने कहा था जब ममीज को दफनाया जाता, स्पेशली सम्राटों के ममीज को दफनाया जाता, तो साथ में रोजमर्रे की चीजें भी साथ में दफनाते। तो क्या था उनके ममी के साथ मिला, बाकी और जो प्रीशियस थिंग्स है वो बाद में आते, पहले थोड़ा सा नॉर्मल स्टफ। बोर्ड गेम्स, सपोज लूडो, चेस, अब उस समय जो भी बोर्ड गेम्स था, ये सब बोर्ड गेम्स। ब्रॉन्ज रेजर, दाढ़ी शेव करेंगे मरने के बाद, जब अगला जन्म लेंगे तो वो भी लेके जाएंगे, गेम भी लेके जाएंगे अपना, ठीक है। लिनन अंडरगार्मेंट्स, कुछ तो पहनेंगे अंडरगार्मेंट्स, वो भी लेके जाएंगे। खाना लेके जाएंगे, वाइन लेके जाएंगे। मैंने कहा था खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे नहीं मानते थे, मानते थे डेथ एक कॉमा है, उसके बाद भी जिंदगी है, वो जिंदगी में सब चीज लेके जाएंगे तो अच्छे से बताएंगे, ये उन लोग का सोच था, ठीक है, गलत सही वाला बात है। अभी भी हम लोग मानते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं भी मानते। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिमूविंग और रिकॉर्डिंग द फैरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर जो है कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जो कॉफिन था इस कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब मिला वो मम्मी, कॉफिन तीन परत में था, ऊपरी परत, उसके अंदर एक और परत, उसके अंदर फाइनली वो गोल्डन जो गिल्डेड कॉफिन था, फाइनली वो मिला। तो ऐसा नहीं कि खोले और जो है गोल्ड चमक रहा है, तुतनखामन का मम्मी हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तीन परत में था, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक और, ठीक है। सपोज एक बड़ा सा बिल्डिंग, उसके अंदर एक बड़ा सा बैंक, उसके अंदर मैं बैंक का लॉकर, कुछ वैसे, ठीक है। तो कार्टर जब इन्वेस्टिगेट किया, पहले तो शाउट जो था, जो कपड़ा वगैरह था उसको जब हटाया तो फूल वगैरह मिले, जिस मौसम में उनको दफनाया गया, मम्मी वगैरह किया गया, मेडिटेशन किया गया, ऑलिव लीव्स था, सेलरी था, लोटस पेटल्स था, कॉर्न फ्लावर्स था, तो ये तमाम, जैसे सपोज आपको मिल गया पिट्यूनिया, आपको मिल गया ट्यूलिप्स, आपको मिल गया कुछ और फूल का नाम बोलिए जो ठंड के समय में होता, सपोज गेंदा है, हालांकि गेंदा मॉडल का समय मिल जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि किस समय में ब्यूरियल हुआ था। तो जो तमाम फ्लावर्स उनके डेड बॉडी के ऊपर स्ट्रू किए हुए मिले, उससे ये पता चल रहा था कि उनको उनको बेरी जब किया गया, देखिए बी यू आर वाई, हम लोग बड़ी बोलते हैं, बड़ी नहीं, ये है बेरी, कैसे प्रोनाउंस होगा, कुछ ऐसे बेरी, नॉट बड़ी, ये गलत, ये सही, इंग्लिश का जादू। तो जो है उनको ये फूलों से पता चला कि वो कौन से महीने में उनको दफनाया गया, मार्च की अप्रैल में उनको जो है दफनाया गया। तो जब फाइनली सॉलिड गोल्ड कॉफिन में ये पहुंचे, तो पता चला कि बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा, कॉफिन बड़ा सा कॉफिन, मोटा सा कॉफिन, मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। आप खाली बोलेंगे सर खाली गोल्ड गोल्ड किए जा रहे, बात गोल्ड का नहीं है, सोचिए कितने अमीर ये लोग थे और एक 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 रिचुअल में कितना जो है ये लोग खर्च करते थे। तो जो है जो मम्मी था, मैंने कहा था रेजिन से जो है उस शाउट्स को लपेटा जाता था कि वो चिपक जाए, तब बॉडी को प्रिजर्व करके रखे। तो जो कॉफिन था, कॉफिन से रेजिन जो है एकदम सट गया, तो बॉडी को अलग नहीं किया जा रहा, ये एक बड़ी समस्या थी। कार्टर बोला व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए, समस्या, डिलेम। अच्छा, अब इजिप्ट में धूप बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो कितने पसीने पसीने हो रहा है, इजिप्ट भी नहीं है, ये ग्रेडी है, लेकिन धूप बहुत है। अब इजिप्ट में और धूप, चारों तरफ बादल बादल, तो दिमाग लगाया कि धूप में रख देता है रेजिन, जाएगा गल, निकाल लेंगे मम्मी को, ठीक है, दिमाग पूरा लगाया। लेकिन जो है ये पुराने दिनों की रेजिन है, कुछ नहीं हुआ रेजिन, बॉडी टच से मस नहीं हुआ, ठीक है, वैसा ही रहा।
नथिंग वास्ट। तो ये जो है साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कहते हैं, अच्छा अब क्या किया जाए, तो मटेरियल को जो है चिजल कर दिया, यानी सपोज ये है मम्मी, ये है कॉफी, तो चिजल समझता है, छेनी छेनी बोलते हैं शायद, तो टक 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 करके जो है चिजल कर दिया, बॉडी को जो है अलग कर दिया गया। और बड़ा दुख के साथ नहीं बोल रहा है साइंटिस्ट, एक आर्कियोलॉजिस्ट एक तरह के साइंटिस्ट ही है, तो वो क्या बोलते हैं, करना पड़ा, मजबूरी था। तो उनके डिफेंस में कहा जा सकता है कि कार्टर के पास, नाम याद रखिएगा, हावर्ड कार्टर, कार्टर के पास चॉइस नहीं था, ही हैड नो चॉइस, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, मम्मी को अलग नहीं करते, तो जो रॉबर्ट्स थे, जो डकैत वगैरह थे, वो क्या करते, मम्मी को जो है, मम्मी ऐसा ही नहीं, हम लोग जैसा कि ऐसे ही दफना दिए जाए, तो जो है उनको ज्वेलरी, अब लकड़ी ज्यादा बेहतर जानेगी, नेकलेस मतलब एम्यूलेट्स और जो भी जितना दर्दा होता है सब पहना हुआ था, तो आभूषण जो है वो पहना हुआ था, तो अगर अलग नहीं करते तो गोल्ड कॉफी तो छोड़ो, बॉडी भी पार हो जाता, ठीक है, चुरा लिया जाता, डकैती कर लिया जाता गार्ड को मार के, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो क्या क्या पहने हुए थे, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ताबीज, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, तो ये तमाम चीज जो है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट द आइकॉनिक इनर मास्क, सॉरी द आइकॉनिक कॉफिन एंड मास्क, ये तो मास्क हुआ, ठीक है, और इसको पूरा जो है गोल्ड कॉफिन के अंदर में था, ये अंदर में था, ठीक है, तो वो कॉफिन पूरा गोल्ड का था, तो ये सब जो है चोरी हो जाता, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना इंपॉर्टेंट। तो ये लोग क्या किए, सब ज्वाइंट को काटे मम्मी का, देखिए, और सब आभूषण निकाल के अलग किए, फिर उसको जोड़ के सैंड के ऊपर रखे और एक लकड़ी का बॉक्स में कवर किया। आज भी जैसे जहां पे वो लेटे हुए हैं ऐसे ही लेटे, ठीक है। आज जो है, अच्छा तो 1960, देखिए हम क्या बोले थे, ये सिटी स्कैन कब हुआ था, 2005 में, तो इससे पहले अगर हमें क्यूरियोसिटी नहीं आया कि इनके बारे में, इनके डिटेल्स के बारे में और पता किया जाए, हुआ था ऐसा। तो 1968 में जो है, कब, 1968 में जो है क्या हुआ था, एक्सरे हुआ था, उस समय जो हो पाया, तो उनका एक्सरे किया गया था 1968 में। एक्सरे में चौंका देने वाली कुछ बातें पाई गई, वो ये था कि रेजिन जो उनका बॉडी को केक किया हुआ था, ढका हुआ था, उसके नीचे जो ब्रेस्ट बोन था वो गायब, फ्रंट रिब्स गायब नहीं है, नहीं मिला, ठीक है। अब जो है सब कुछ बहुत डेवलप्ड, तो डायग्नोस्टिक जो है बहुत उम्दा हो गया आजकल, तो अब क्या किया जाने लगा, या क्या सोचा गया, क्या करना है, करना है सिटी स्कैन, मैंने कहा था सिटी स्कैन, अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, बट सिटी स्कैन, तो जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, सिटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, लिखा भी हुआ है। तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था, हम समझाए हैं क्रॉस सेक्शनल, जैसे कि मैंने कहा था क्रॉस सेक्शनल एक्सरेज, इसको 0.62 mm का रिवर्स स्लाइस था, उसको जब जोड़ा गया एक 3D इमेज बना, और उससे पता चला कि वो कैसे लिखते थे, हाइट वगैरह सब जो है पता चल गया। अब कोई भी चीज करने के पीछे मकसद होता है, हम भी आपके सामने प्रकट हुए हैं कुछ मकसद, ताकि आपको समझाना, ठीक है। तो वैसे ही सिटी स्कैन जो है, सिटी स्कैन थोड़ा मजा भी दे पाए आप लोग को, थोड़ा सब पढ़ने में मजा है। तो वैसे ही जो है सिटी स्कैन जो था, सिटी स्कैन कराने के पीछे भी एक मकसद था। अभी मकसद क्या है, बहुत मकसद है सर, देखो दो क्वेश्चन का जवाब चाहिए था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, हाउ डिड ही डाई, कैसे मरे, हाउ डिड ही डाई, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो है, हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उनका मृत्यु हुआ उस समय उनका एज कितना था, तो जो दो क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज ही, ठीक है,
was he. ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो आप बोलेंगे सर बस लिखते ढूंढना मुश्किल नहीं, उसमें मुमकिन है? नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ढूंढ लीजिएगा। तो जो है हाउ डिड ही डाई, हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जिस समय उनका मौत हुआ, जिस समय मौत हुआ उनका एज कितना, ये दो क्वेश्चन का जवाब के लिए उनको सिटी स्कैन कराना जरूरी था। और भी कोई सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन ये दो सवाल का जवाब चाहिए। अच्छा अब देखिए, किंग टूथ का जो डिमाइस था, उनका परलोक से हरा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक सम्राट का डेथ। रॉयल स्टैंडर्ड्स के तहत भी अब हर एक सम्राट जब गुजर जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनका बात जो है बहुत खास था। क्या हुआ था, ये अपने फैमिली लाइन में पिताजी, पितामह, पिताजी, दादाजी, पिताजी खुद जो भी है, तो ये लास्ट थे अपने अपने वंश में, तो इनके डेथ के साथ एक वंश का फुल स्टॉप, ठीक है? तो जो है अब जो है अब हार्ड कोर हिस्ट्री में आना पड़ेगा, ठीक है? घबराइएगा नहीं, साथ में रहिए, ये तमाम चीजों को पैटर्न बाय करने का वक्त आ गया, ठीक है? ये आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो बढ़िया होगी। क्वेश्चन पूछ देता है, क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आमेज होते हैं, आमेज होते जो थे, आमेज होते थ्री, ये या तो तुतनखामेन के ग्रैंडफादर थे या फादर थे, कोई भी थे, लेकिन बड़े पावरफुल रूलर थे। ऑलमोस्ट 40 साल जो है ये राज किए इजिप्ट पे, इजिप्ट पे 40 साल ये व्यक्ति राज किए, इसके लिख देते हैं ऑलमोस्ट 40 इयर्स, ठीक है? इसको एग्जैक्टली 40 इयर्स नहीं माने। इनके बाद जो है आए इनके पुत्र में भी, उनका नाम था आमेनहोतेप 4। बोलेगा नाम का इतना कमी हो गया सर, फोर लगाना पड़ा, अब क्या करें बाबू, ऐसे तरह होता, ठीक है? तो जो है आमेनहोतेप 4 उनका बेटा हुआ, ठीक है? ये जो है पावरफुल तो था ही, ये जो आमेनहोतेप 4 थे, ये क्या किए, इनका जो पीरियड था बड़ा स्ट्रेंज था। कहते हैं कि जब दीपक बुझता है उससे पहले बहुत खतरा आता है, ठीक है? तो ये जो थे वंश का मोरलेस फुल स्टॉप होने वाला था, तो ये जो थे ये जब कुर्सी संभाले आमेनहोतेप 4, ये क्या किए, सब कुछ बदल दिए, सब कुछ मतलब देखिए, ये प्रमोट किए वर्शिप ऑफ आतेन, ये क्या किए, बोले कि आतेन को वर्शिप करो, ठीक है? आतेन यानी सन डिस, ठीक है? आतेन को वर्शिप करो, ठीक है? और जो है ये अपना नाम चेंज करके, इनका नाम था आमेनहोतेप, अपना नाम चेंज करके ये उनका अपना नाम रख दिए आखेनातेन, ठीक है? आतेन का वर्शिप करो आखेनातेन, ठीक है? तो अगर पूछा आखेनातेन का मतलब, तो आखेनातेन का मतलब वर्शिपर ऑफ सन, ठीक है? तो ये अपना नाम चेंज किए, उसी में नहीं रुक गए, रिलीजियस कैपिटल। अच्छा देखिए होता क्या है कि ठीक है न्यू दिल्ली हम लोग का कैपिटल है, लेकिन बॉम्बे एक तरीके का या मुंबई एक तरीके का कमर्शियल कैपिटल है हम लोग का, तो वैसे ही एक रिलीजियस कैपिटल बहुत, उसमें धर्म बहुत बड़ी है, ठीक है? तो रिलीजियस कैपिटल क्या था, उसका नाम था थीब्स, थीब्स नाम था उसका। वो बोले नहीं अब ये नहीं, चेंज करके ये शिफ्ट करा दिए इसको कहां पे, आंखें ताते एक नया शहर, आंखें ताते अब उसको आजकल उसको जाना जाता है अमरनाथ के नाम से, ठीक है? तो ये सब चेंज वो ला रहे थे। और जो है जो मेजर जो गॉड हुआ करते थे आमुन, जो कि मेजर गॉड थे, उनके आइडल्स को, मूर्ति को, मंदिर को ध्वंस कर दिए, ठीक है? बन बन करके ध्वंस कर दिए। तो कहते हैं रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर में, बोलते कि बहुत डरावना वक्त रहा होगा क्योंकि चीजों को एकदम बदल दिया जा रहा है। द फैमिली व्हिच हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, वो अब अपने अंत की तरफ आ रहा था, और अब जो है आखिरतन वेंट अ लिटिल वैकी, पगला गया था, ठीक है? तो आखिर
अखेनातेन जो है ये काम उन्होंने किया। उनका नाम एक्चुअल में क्या था, आनन ऑफ द फोर, चेंज करके अखेनातेन यानी वर्शिपर ऑफ द सन, सर्वेंट ऑफ आतेन, आतेन के सर्वेंट, आतेन आतेन के सर्वेंट अखेनातेन, ठीक है। अच्छा तो इंसान है, एक ना एक दिन मृत्यु आती है, इनका भी जो है रेन खत्म हुआ, आर ई आई जी एन। इनके डेथ के बाद एक और रूलर है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इनके बाद जो है एक और रूलर स्नेक कार्य, स्नेक कार्य, स्नेक कार्य ये आया, ठीक है। तो जो है ये जब आए तो कोई कोई होता है कि बहुत कम इंपैक्ट जो है, बहुत कम इंपैक्ट छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये आए हैं, कुछ कुछ और जो है उसके बाद जो है ये चले, तो ये जो है बहुत कम इंपैक्ट रखे आए चले, ठीक है। आए इसके बाद जो है हम लोग का कहानी का जो हीरो है डीन टूथ वो आए, ठीक है। तुतनखामुन, ठीक है। तो ये जो है एंड देन अ वेरी यंग तुतनखामुन टू द थ्रोन आई, तुतनखामुन तुतनखामुन, ये थे अखेनातेन, ये आए तुतनखामुन, ठीक है। देखिए ये सेम वर्शिपर ऑफ आतेन, सर्वेंट ऑफ आतेन। तो ये जब आए ये वापस जो है जैसे सब कुछ था वैसे सब कुछ दोबारा करने का कोशिश किए, और सम्राट थे तो किए। ये क्या किए, ये जो है गद्दी संभाले, उसमें बहुत कम एज के थे, लोग बोलते कि 10 साल के थे, 10 या कुछ साल के थे। तो ये जो थे ये अपना नाम पहले चेंज किए, तो आमून पहले जो मेजर गॉड थे अपना नाम चेंज कराए, ठीक है। नाम चेंज करा के बन गए तुतनखामुन, ठीक है। तुतनखामुन अपना नाम जो है वो चेंज किए, ए है, ठीक है। तुतनखामुन वो अपना नाम चेंज किए, इसका मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून भगवान, लिविंग इमेज ऑफ आमून, लेकिन 9 साल करीब करीब रूल करने के बाद 10 साल में कुछ संभाले और 19 साल में इनका डेथ, ठीक है। लेकिन वो 9 साल में इतना कुछ किए, तो जो है आखिर जब वो जब उनका मृत्यु हुआ तब भी, जैसे कि जब जी रहे थे लीड कर रहे थे, मृत्यु के बाद भी जो है बाकी मामले से फिर स्कैन नहीं हुआ, फिर स्कैन हुआ इनका सबसे पहले, उसके बाद बाकियों का हुआ। तो सिटी स्कैन मशीन जो था मम्मी को स्कैन किया, जा सिटी स्कैन मशीन गायब हो गया, लेकिन हम बोले थे हेड टू टो वो जो है स्कैन होता गया। एंटायर 1700 डिजिटल एक्सरे जो मैंने ये बनाया था इस तरह का क्रॉस सेक्शनल, ये 1700 ऐसा जो है क्रॉस सेक्शनल एक्सरे हुआ, और जैसे कि मैंने कहा था 0.62 mm, 1700 रे जो है उनको स्कैन किया क्रॉस सेक्शनली, क्रॉस सेक्शनल उनको स्कैन किया और उनका 3D इमेज बना, ठीक है। तो देखिए मेडिकल साइंस में भी एक डॉक्टर सब कुछ नहीं जानता, स्पेशलाइजेशन होता है। तो रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट जो थे जो स्कैन वगैरह करते हैं, फोरेंसिक्स जो थे तो डेथ और कॉज ऑफ डेथ और पता करते हैं, फोरेंसिक टीम आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, सीआईडी देखते हो, आप लोग पता होना चाहिए। दूसरा जो है एनाटॉमी, कि बॉडी का जो है किस तरह से बॉडी बना हुआ है, नर्व्स वगैरह सब जो है, एक कोई मूवी में देखे थे या कुछ एक्चुअल कहानी है शायद कोई बड़े डॉक्टर का, उनके जो प्रोफेसर थे वो कहे थे कि बॉडी का एक एक नर्व एनाटॉमी का सब डिटेल पता किए बिना जो सर्जन बॉडी को हाथ लगाए या अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो भी सर्जन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करे वो एक खूनी है। तो सब कुछ पता करने के बाद, हूबहू जानने के बाद तब आप बॉडी को, तो एनाटॉमी जो है हम लोग के शरीर का इंटिकेट डिटेल्स, नर्व्स न्यूरॉन्स हड्डी मसल सब जो है एनाटॉमी में पड़ता है, तो वो जो है इसका भी एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट मिल बैठे और जो है ये इनके बारे में और जानने के लिए सिटी स्कैन किया गया। लेकिन जानने अब आपके सामने मेरे सामने सिटी स्कैन रख दे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे,
लेकिन हर स्ट्रीम का जो जो एक्सपर्ट थे उनको लाया गया, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी, ताकि ये लोग जो है इनके बारे में और पता कर पाए, बोल पाए, समझा पाए। जब स्कैन हुआ तो सिटी स्कैन हुआ, वर्कमैन जो है, जैसे मैंने कहा था बेसमेंट में बहुत नीचे 26 फीट नीचे थर्ड फ्लोर रूम, तो उनको लेके जो है वो लोग ऊपर आए। ठीक है, ऊपर में एक एक वैन में सिटी स्कैन मशीन रखा हुआ था, ट्रक टाइप का जो रहता है उसके पीछे जो है, तो उसमें जो है सिटी स्कैन मशीन रखा हुआ था। और जो है इसके मैंने कहा था पवंडर चल रहा था, धूल सैंडस्टॉर्म चल रहा था, मानो भगवान जो है कुपित है। ठीक है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जो डिस्टर्बिंग नेचर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में उनको ट्रेलर में चलाया गया और स्कैनर के सामने लाया गया। 20 मिनट बाद दो आदमी भागे भागे आए, इसलिए उन जो सिटी स्कैन मशीन का कूलर था वो काम करना बंद कर दिया था। सोचिए इतना महंगा मशीन वो काम करना बंद कर दिया था। ये मशीन को डोनेट कौन किया था, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस, उन्होंने ये मशीन को डोनेट किया था, बहुत महंगा मशीन। ठीक है, तो जो है भागे भागे आए, मशीन का कूलर जो है काम करना बंद कर दिया है, वरना मशीन गर्म हो जाता है। तो दो प्लास्टिक फैन लेके आए, इंसान बड़ा जुगाड़ू है, दो प्लास्टिक फैन लेके आए और लगा दिए और जो है मशीन काम करना शुरू किया फिर से, जान में जाना है। ठीक है, तो जो है सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल, कंप्लीट हुआ प्रोसीजर और देखा गया मिला के, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया कि डेटा जो है गायब हो गया, नहीं मिला ये सब कुछ है। फिर जो है तुतनखामन को जो है नीचे वापस ले जाया गया, ऊपर से फिर नीचे। ठीक है, और 3 घंटा वो अपने रूम से ऊपर ले जाया गया, 3 घंटा में काम बन गया, 6 बजे तमाम काम शुरू हुआ। ट्रेलर में टेक्नीशियन एस्टोनिशिंग इमेज मिल रहा था उनको, सिटी स्कैन का घुमा घुमा कर देख रहा था स्कैन इमेज को, भाई देखिए वाह हैरत अंगेज इमेज। तो रिबकेज दिख रहा था, रिबकेज का व्यू दिख रहा था, स्कल का ट्रांजेक्शन वो दिख रहा था, स्कल का इमेज दिख रहा था, हैंड का इमेज दिख रहा था। जाहिर हुआ सही साहब जो जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ इजिप्शियन काउंसिल जो भी था, तो ये जो थे वो मुस्कुरा रहे थे, उनपे मानो एक स्टॉर्म उनके ऊपर चल गया था, तो वो मुस्कुरा रहे थे बहुत रिलीव्ड, भाई बाप रे बाप एकदम बड़ा काम जो है खत्म हुआ। ठीक है, तो वो बोले मुस्कुराते, अब तो बात खत्म, अब तो जिन ये सिटी स्कैन खत्म हो चुका था, बॉडी वापस चला गया था रूम में, अब वो रिलीव थे। तो मुस्कुराते हुए बोले, कल रात को 1 सेकंड नहीं सो पाए थे, उतना जो है हम चिंतित था, वो सो वरेड, लेकिन अब हमको लगता है कि हम सो गए। ठीक है, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर जब हम लोग लीव किए नीचे गए, विंटर एयर लीक, डेजर्ट में गर्मी भी ज्यादा ठंड भी ज्यादा, तो विंटर एयर लेट कोल्ड लाइक डेथ इटसेल्फ, डेथ हंगामा नहीं करता है, चुपचाप आता है लेके चला जाता है सब शांत करके। ठीक है, तो जो है ये भी मानो विंटर एयर जो था मौत के करीब, मौत के जैसे एक अजीब सा शांत छात्र। टूथ के टूम के ठीक ऊपर मानो ये गेट रूम है, इसके ठीक ऊपर एक कंस्टेलेशन बना है तारों का ग्रुप समूह। ठीक है, उसका नाम था ओरियन, कंस्टेलेशन का नाम था ओरियन, और एंशियंट इजिप्शियंस लोग ये मानते थे कि उसी कंस्टेलेशन में ओरियन में ओसिरिस का आत्मा रहता है। और ओसिरिस कौन, ये याद रखिएगा, ओसिरिस ये कौन, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यही जो है afterlife के देवता, पुनर्जन्म के देवता। ठीक है, the god of afterlife watching over the body। तो इनके tomb के gate के ऊपर जो है सब कुछ बहुत गुप्त रखा गया था, मिला वो बहुत persistence का एक पल था, ताकि ये जो है इस boy king को, इनको boy king भी कहा जाता था, ये क्या था, death mask था, ताकि वो कैसे दिखते थे उसका एक प्रतिबिंब आपके सामने आए। ठीक है, तो उनको इस तरह से ये death mask यहां तक आता, तो ये था कहानी ओरियन भगवान, ओसिरिस भगवान जो है वॉट आफ्टर लाइफ, ये देखें कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपने अगले जन्म की तरफ कदम बढ़ाएं, बहुत अच्छे से। हमारा राजा, इजिप्ट का राजा,
कौन किंतुत, पूरा नाम क्या था तुतन खामून, तुतन खामून ठीक है, जन्मे थे नाम था तुतन खातेन। तो ये है कहा, अब क्वेश्चंस भी होंगे। तो किंग टुत का जो बॉडी था उसको जैसे कि मैंने कहा था स्कैन क्यों किया गया था, व्हाई वाज द सिटी स्कैन डन ऑन द बॉडी, तो टू फाइंड आउट टू थिंग्स, हाउ डिड ही डाई, हाउ डिड ही डाई, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हेन वाज द टूम डिस्कवर्ड, इन 1922, बाय हूम, बाय हावर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिज टीम। दूसरा बात जो है, व्हाट ट्रेजर्स वर फाउंड विद द मम्मी ऑफ तुतनखामन, तो हम लोग जानते हैं, पढ़े थे एवरीडे थिंग्स लाइक रेजर, ब्रॉन्ज रेजर्स, बोर्ड गेम्स, वाइन, फूड, अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो वोर ज्वेलरीज, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, कॉलर्स, तमाम चीजें, ये सब उनके बॉडी के साथ जो है मिला। हु वाज जाहिर हवास, ये अगर पूछा जाए जाहिर हवास कौन थे, ये बोलना जरूरी है। तो जाहिर हवास कौन थे, जाहिर हवास वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एंड ही वाज द पर्सन हु सुपरवाइज्ड द स्कैन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो है, व्हेन वाज द सिटी स्कैन डन, द सिटी स्कैन वाज डन ऑन द 5th ऑफ जनवरी 2005 एंड द टाइम वाज 6 पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टूरिस्ट्स डूइंग इन द टूम, सम टूरिस्ट गेज्ड एट द म्यूरल्स, सम वर हैविंग अ लुक एट द बॉडी ऑफ तुतनखामन, सम वर विस्परिंग एंड सम वर थिंकिंग रूमिनेटिंग अबाउट हाउ द बॉय पास्ड, तो ये सब चीजें टूरिस्ट वहां पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अज्यूम दैट द ब्यूरियल टुक प्लेस इन मार्च और अप्रैल, तो कैसे बताएंगे ये, अलोंग व्हेन तुतनखामन्स कैस्केट वाज ओपन, देयर वर थ्री लेयर्स, इट वाज फाउंड दैट द श्राउड वाज अडॉर्नड विद गार्लैंड्स, माला ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, एंड दिस फ्लावर्स ग्रो और ब्लॉसम खिलता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च। From this, we can assume, we can safely have a theory that he was buried in March. ठीक है? Next जो है, why did Carter just dismantled the coffin? Because he was afraid that the robbers would plunder the loot, would plunder or somehow have an adverse effect on the mummy. ये बात है। सिटी स्कैन कैसे किया गया था, हाउ वाज सिटी स्कैन डन, द सिटी स्कैन मशीन वाज डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, इट वाज लोडेड इन अ वैन, इट वाज ब्रॉट टुवर्ड्स द टूम ऑफ लॉर्ड गॉड, आई मीन तुतनखामन, एंड तुतनखामन वाज टेकन अप टू द वैन, सिटी स्कैन वाज परफॉर्म्ड, इट टुक 3 hours, 1700 क्रॉस सेक्शनल एक्सरेज वर डन, इट वाज देन into a 3D map and astonishing images came up on the monitor of the screen, on the monitor of the machine. So in this way, and after the X-ray and CT scan was done, it was again brought back in the to the film. इस तरीके से हुआ था। अच्छा, और जो है, अच्छा थोड़ा सा अखिनातन के बारे में, how why is अखिनातन said to be wacky, because he changed quite a lot of things. First of all, he changed his name from Amenhotep to Akhenaten, servant of Aten. He shifted the capital, religious capital, from Thebes to Akhetaten, and he destroyed Amun idols and temples. What did Tutankhamun do? He changed his name. He was born as Tutankhamun. He changed his name to Tutankhamun. He brought back the old ways. Jo bhi tha. उन्होंने जो है वापस वो सब चीजों को लाए। तो ये है कहानी, एंड दैट ब्रिंग्स मी एंड अस टू द क्लोज ऑन दिस लेसन, द नेम ऑफ द लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। आई एम अना साइनिंग ऑफ, डू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।